जय धनवंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सुश्रुत संहिता के कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो बार बार AIPGT एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। साथ में सुश्रुत संहिता पर लिखी गई टीकाएं और टीकाकारों के बारे में जानेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और हाँ, पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूले। तो आइए शुरू करें। आयुर्वेद का आदि उपदेष्टा ब्रह्मा जी है, जिन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जिसमें 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक है। अब देखते हैं सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत संहिता के मूल उपदेष्टा भगवान धन्वंतरी है और काल है 2350 ईसा पूर्व। अब यह उपदेश को वृद्ध सुश्रुत ने सुश्रुत तंत्र नामक ग्रंथ में लिखा, अर्थात तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत है और काल है 1 शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद प्रथम प्रति संस्कर्ता सुश्रुत है, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी और काल है 2 शताब्दी। द्वितीय प्रति संस्कर्ता नागार्जुन है, काल है 5 शताब्दी। और तृतीय प्रति संस्कर्ता चंद्रट है और काल है 10 शताब्दी। इस तरह सुश्रुत संहिता का निर्माण 4 स्तर पर हुआ है, पहले तंत्र रूप में और उसके बाद प्रथम प्रति संस्करण, फिर द्वितीय संस्करण और बाद में तृतीय संस्करण। इसमें से चंद्रट को पाठ शुद्धिकर्ता कहा गया है, यह भी बार बार एग्जाम में आ चुका है। वर्तमान कालीन जो सुश्रुत संहिता है वह 10वीं शताब्दी की है, चंद्र द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत संहिता पर कुल संस्कृत टीकाएं 17 है। इसमें से उत्तम टीका निबंध संग्रह है जो डलहण ने लिखी है, इसे आप ऐसे याद रखिए, उत्तम नीड, उत्तम टीका नीड, नी से निबंध संग्रह और ड से डलहण, उत्तम टीका निबंध संग्रह दलहन द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत संहिता का निर्माण 4 स्तरों पर हुआ है, जो जैसे मैंने पहले आपको बताया। सुश्रुत संहिता में 6 स्थान और 186 अध्याय है, पहले 5 ही स्थान थे, लेकिन नागार्जुन ने इसमें उत्तर तंत्र ऐड किया और अब इसके 6 स्थान है। अब सुश्रुत संहिता में कौन कौन से स्थान नहीं है, तो विमान स्थान, इंद्रिय स्थान और सिद्धि स्थान नहीं है, इसे आप विशेष याद कर लीजिए। V से विमान स्थान, I से इंद्रिय स्थान और SH से सिद्ध स्थान। जेजट ऐसे टीकाकार है जिन्होंने बृहत्त्रयी पर तीनों ग्रंथों पर संस्कृत में टीकाएं लिखी है और इसका काल 19th century है। चरक पर उन्होंने निरंतर पद व्याख्या लिखी थी। सुश्रुत संहिता पर जो टीका लिखी है इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है और अष्टांग संग्रह पर भी जेजट ने टीका लिखी हुई है। बृहत्त्रयी के हिंदी टीकाकार अत्रि देव गुप्त है और गईदास को चंद्रिकाकार कहा गया है। यह तीनों पॉइंट भी एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, तो आप खास ध्यान रखिए। अब सुश्रुत संहिता पर लिखी गई टीकाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली है प्रश्न सहस्त्र विधान और सुश्लोक श्लोक वर्तिका। ये दोनों टीकाएं माधव ने लिखी है 7th century में। अब इसको कैसे याद करोगे, तो आपको काय चिकित्सा के लिए माधव निदान पढ़ना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे श्लोक है और उसमें से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, 1000 प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद कर लो, प्रश्न शास्त्र विधान और सुश्रुत श्लोक वर्तिका दोनों माधव ने लिखी है। दूसरी है बृहद पंजिका, न्याय पंजिका या न्याय चंद्रिका। ये निदान स्थान पर लिखी गई टीका है और गईदास ने लिखी है 10th century में। अब आपको ये पता है कि गईदास को चंद्रिका कार कहा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, बृहद है और न्याय करते हैं, इसीलिए गईदास को चंद्रिका कार कहा गया है। इस तरह से आप याद कर लो, बृहद पंजिका, न्याय पंजिका और न्याय चंद्रिका ये गईदास ने लिखी है और ये खास करके निदान स्थान पर लिखी गई है। आगे है भानुमति और तात्पर्यतिका, ये दोनों सूत्र स्थान पर लिखी गई है जो चक्रपाणि ने लिखी है 11th century में। अब इसको कैसे याद करोगे, तो भानु की मति, भानु यानी कि रवि, रवि की मति चक्र की तरह गोल गोल घूमती है, ऐसे आप इसको याद कर लो। इसके बाद है सुश्रुत पंजिका और लघु या फिर लघु पंजिका, ये भास्कर ने लिखी है और 12th century में लिखी है। अब देखो आप इसको ऐसे याद कर लो कि गईदास है वो बड़े है, लेकिन उसको लघु यानी कि छोटे है ऐसा भास होता है, तो इस तरह से लघु पंजिका भास्कर ने लिखी है और 12th century इसका काल है, ऐसे याद कर लो। आगे दलहन ने
निबंध संग्रह लिखा है जो 12th सेंचुरी में लिखा गया है। ये तो आपको पता ही है कि सुश्रुत के ऊपर उत्तम टीका निबंध संग्रह है जो डलहण ने लिखी है, नीड है, उत्तम टीका की नीड है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है इसलिए 12th सेंचुरीज का काल है। इसके अलावा हारान चंद्र ने सुश्रुतार्थ संदीपन और आयुर्वेद संदीपन ये दोनों लिखा है 12th सेंचुरी में। अब थक हार कर सुश्रुत और आयुर्वेद में बताई गई दीपन चिकित्सा की जाती है। इस तरह से आप हारान चंद्र द्वारा लिखी गई सुश्रुतार्थ संदीपन और आयुर्वेद संदीपन ये दोनों टीकाओं के नाम याद कर सकते हो, और ये 20वीं शताब्दी में अभी अभी करते हैं। हार कर थक हार कर दीपन चिकित्सा अभी अभी 20वीं सदी में ही की गई है। इस तरह से आप इसे याद कर लो। अब हिंदी भाषा में लिखी गई टीकाएं देखते हैं। आयुर्वेद रहस्य दीपिका ये भास्कर गोविंद घ्राणेकर ने लिखी है। जैसे लघु होने का भास है वैसे रहस्य दीपिका का भी भास है किसको, गोविंद को। इस तरह से आप आयुर्वेद रहस्य दीपिका भास्कर गोविंद ऐसे याद कर लो। इसके अलावा है आयुर्वेद तत्व संदीपिका, ये अंबिका दास शास्त्री ने लिखी हुई है। तो ये थी सुश्रुत संहिता की टीकाएं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे देख लेते हैं। सुश्रुत संहिता की सबसे पुरानी ताड़पत्ते की पांडुलिपियों में से एक नेपाल में खोजी गई है। इसे कैंसर लाइब्रेरी नेपाल में पांडुलिपि KL 699 के रूप में संरक्षित किया गया है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता और डलहण की टिप्पणी दोनों का अंग्रेजी अनुवाद 1999 में पीवी शर्मा द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।